अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शंकर खन्ना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेलो मिस्टर शंकर। और अभी हम बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं 2 नंबर बस के लिए। अभी हम जा रहे हैं कांत, और प्रोग्राम बन गया वहां दोस्त के पास जा रहे हैं कांत, और हम अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। आप जुड़िए। भाई हम कांत में आए हुए हैं और हम रात को ये थोड़ा वॉक पे निकले हैं खाना वाना खा के, और अभी हम जा रहे हैं। ये भाई हमारा हसन भाई है और ये इधर में नज़र नहीं आ रहा, और ये अब हम ही रोड पे पहुंचने वाले हैं। और ये रोड पे पहुंच गए और ये देख सकते हैं ये आगे मार्केट है, और ये आप लोग देख सकते हैं कांत बहुत प्यारा इलाका है। ये जी आप देख सकते हैं अभी हम मेन रोड पे पहुंच चुके हैं और सामने मार्केट है और ये फार्मेसी भी है आगे, और ये देखो कच्चे खड़े हैं इधर, और ये बुद्ध और आदिल और मिस्टर दूसरे का नाम मुझे नहीं आता, मैं भी इधर पहली बार आया हूँ कांत में। हमारे पास ये हसन भाई जा रहे हैं, देखो देखो जी दबंग जा रहे हैं, दबंग बॉडीगार्ड। ये मैंने बॉडीगार्ड रखा हुआ है अपने फर्स्ट सेफ्टी के लिए। हेलो जी, ये बोर्ड लगा हुआ है और ये हम मेन रोड पे पहुंच चुके हैं। ये आप बहुत देख सकते हैं, ये बहुत इलाका ज़बरदस्त है। ये आदिल है, आज हम इसके पास आए हुए हैं। ये दूसरा भाई ये रहा आज, इसका मुझे नाम ही नहीं पता था, मुजाहिद। हाँ ये भी बड़ा यूट्यूबर है, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ता है यूट्यूब पे, देख सकते हैं अभी लाइट भी है। आदिल भाई कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के बारे में? आज हम पहली बार कांत में आए हुए हैं। आज आप कांत में आए हुए हैं तो आप हम काम में इस वक्त आपको कुछ दिखा तो नहीं सकते, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना नरौनी वगैरह ले जाए। ये बहुत इलाका ज़बरदस्त इलाका है कांत, बहुत प्यारा इलाका है, मुझे तो भाई बहुत पसंद आया। अभी हम सुबह भी आपको दिखाएंगे, ये रात का टाइम है, हम बोल रहा था खा के अभी हम बाहर निकले हुए हैं। तकरीबन 8500 आए। ये लो जी, ये एक शॉप है, ब्यूटी स्टूडियो है, बहुत प्यारा है, और ये इस साइड पे मार्केट है। और अभी तो सारी शॉप्स बंद हैं, तो कल इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगा, कल पार्क्स भी जाना है। ये लो जी रशियन कजे खड़े हैं। ये देखो जी प्यारी आ रही है, प्यारी आपके सामने है। ये तो 50 साल की होगी, तकरीबन 50 साल से ऊपर ही है। ये आप देख सकते हैं मार्केट उस साइड पे, ये फार्मेसी है। ये इलाका बहुत प्यारा इलाका है। ये जी बैंक है, इसका नाम फिनका बैंक है। ये फिनका बैंक है, ये KICB है बैंक, ये KICB बैंक है, यहाँ की बहुत मशहूर बैंक है, ये बहुत प्यारी बैंक है, इससे टैक्स भी कम करता है। और ये फिनका बैंक है, फिनका बैंक की इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं KICB बैंक को यूज़ करता हूँ, मेरा SBL का है कार्ड। ये PCK बैंक है, पीसी भी अच्छी है, पीसी के। ये देखो एम्बुलेंस जा रही है, पता नहीं कोई इमरजेंसी है जो इतनी रफ्तार से जा रही हैं, ये तो फिलहाल थोड़ी नॉर्मल है। ये इलाका बहुत प्यारा इलाका है, आगे देख सकते हैं आप मार्केट है। अभी सारी शॉप्स बंद हैं, अभी सुबह हम आएंगे फिर से और आपको दिखाएंगे, और पार्क्स वगैरह भी जाना है, पार्क्स भी हम आपको दिखाएंगे, और ईशान यूनिवर्सिटी है वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। ये लो जी, जिसकी कोई GF है तो वो अपने लिए यहाँ से फूल ले सकता है, मगर हमारी कोई GF नहीं है। ये मार्केट है, ये 24 आवर्स ओपन होता है, ये ग्लोबस है। अभी हम इसके एंटर होने, यहाँ पे लिपोश्की, यहाँ बहुत मशहूर है ये लिपोश्की, ये लिपोश्की आप देख सकते हैं।
अभी हम इंटर हो रहे हैं इसके अंदर और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एटीएम लगे हुए हैं। हर जगह सहूलत आपको एटीएम की मिलेगी और आप कहीं से भी पेमेंट निकाल सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भी फार्मेसी है और ये मार्केट आप देख सकते हैं इतनी बड़ी नहीं है मगर नॉर्मल है, फिर भी बड़ी है। लो जी ये बियर शेयर पड़ी है। ये देखो ये बुद्ध अपने बेटी के लिए सोच रहा है मगर अभी इसकी बेटी तो पाकिस्तान में ही है। ये देखो इधर बड़ी बड़ी बोतलें पड़ी हैं, वो वाली बड़ी बड़ी बोतलें पड़ी है। यहाँ की आपको एक अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे जो कोक मिलती है वो बहुत ओरिजिनल कोक मिलती है। जैसे पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में हम कोक पीते हैं, वो यहाँ का हमें पेप्सी का जायका मिलता है उसमें। वो जैसे हम पेप्सी पी रहे हैं वो कोक नहीं लगती, वहाँ हमारे पास लोकल कोक मिलती है पाकिस्तान में। ये फ्लैश है, यहाँ की फ्लैश भी अच्छी है बहुत, नाइट्रो भी है, मैं तकरीबन यहाँ पर यूज़ करता हूँ फ्लैश। फ्लैश बहुत मज़े की है। ये नाइट्रो भी पड़ी है, ये देखो ये सारी शराबें पड़ी है। यहाँ पे शराबें और सिगरेट आम बात है, यहाँ पे कोई किसी को कोई कुछ नहीं बोल सकता। शराबें वगैरह अपनी लिमिट में, हर कोई अपनी लिमिट में करता है। यहाँ के ये ये बियर्स ये पड़ी है, यहाँ के ये कज्जे लोग जो पीते हैं वो ओवर भी हो जाते हैं। ये देखो ये मैं कोक की बात कर रहा था, ये कोक कोक बहुत ओरिजिनल है यहाँ पर यार। कोक मुझे बहुत अच्छी लगती है पाकिस्तान में, जैसे पीते हैं ना वो, यहाँ पे हमें पेप्सी का जायका मिलता है। जैसे कोक हम पीते हैं ना, यहाँ पे पेप्सी मिलती है, हमारे पास कोक वो सेम ही है बस। यहाँ की कोक बहुत प्यारी है। ये लो जी केक शेक पड़े हैं, क्या बताऊँ यार। बिश्केक बहुत प्यारा इलाका है। बिश्केक जो सिटी है ना, यहाँ का किर्गिस्तान का कैपिटल सिटी है। और यह जी पड़े हैं बनाना, शिमला मिर्च पड़े हैं। ये जो ये प्यारी खड़ी हैं और हम ये भी जा रहे हैं। वो मुझसे कवर अप नहीं हुई है। अभी सारी शॉप्स बंद हैं, कल इंशाल्लाह फिर आएंगे और वो भी आगे भी मार्केट है। सुबह फिर हम आपको पार्क भी दिखाएंगे। हमारा हॉस्टल दिखा था, कौन सा हॉस्टल वहाँ पे अदील अभी खुला होगा हॉस्टल? दिखाएं तो अपना, अभी खुला होगा हॉस्टल। वैसे बैच है क्या करना है। और अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल पे और हम आपको हॉस्टल दिखाएंगे। यहाँ एशियन यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। टैक्सी वाला याद है हॉस्टल भी इधर ही पास में, हम जा रहे हैं हॉस्टल पे। ये भाई जी ये कवर्स, मोबाइल कवर्स वगैरह, यहाँ पे मोबाइल्स का शॉप है। जान यहाँ पे एक साल गुजार लिया। लो जी भाई हमने यहाँ पे, इन्होंने भाई इन्होंने एक साल गुजारा, हमारा चार साल क्लियर हो गए हैं अभी। हेलो जी, ये मैंने कहा था कि आपको हर जगह एटीएम मिल जाएगा। ये देखो अभी फिर से एटीएम आ गया, बस हम चार कदम चले ये फिर से एटीएम आ गया, बैंक आ गई है। देखो जी आपको हर जगह एटीएम मिलेंगे यहाँ पे। ये देखो जी यहाँ पे बहुत, ये कांत भी बहुत बढ़िया इलाका है, बहुत बढ़िया सिटी है। मैं पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। अभी तो नाइट में अभी तो हम यहाँ पे नाइट में पहुँचे हैं, अभी तो नाइट में पहुँचे और सुबह का बहुत ज़बरदस्त व्यू यहाँ का देखने को मिलेगा हमें। और फिर इंशाल्लाह ये फिर भी हमें इधर एशियन यूनिवर्सिटी है जो हमारे पास, ये भाई हमारे एशियन यूनिवर्सिटी के हैं और हम आपको दिखाएँगे सुबह एशियन यूनिवर्सिटी। ये पूरे हॉस्टल में कैमरे शैमरे जो लगे हैं। लो जी भाई यहाँ पे कैमरे शैमरा लगे हुए हैं। ये हॉस्टल है, अभी हम इंटर नहीं हो रहे हैं इसमें क्योंकि हम दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और ये हम बाहर से दिखा रहे हैं आपको थोड़ा सा, यही है हॉस्टल, ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं बहुत प्यारी बिल्डिंग है। अभी हम वापस जाने वाले हैं और अभी हम अपने दोम पे जा रहे हैं। हेलो जी, ये ईशा ट्रेड है, ईशा ट्रेड। आपको हर जगह ये इस तरह के ट्रेड मिल जाते हैं। ये ट्रेड नहीं करनी चाहिए, मैं कहूँगा कि ये एक जुआ है।
और आप इससे जितना बचना चाहें वो आप अपने हिफाजती तौर पे अपने अच्छे से कोई कारोबार ओपन कर लें, वो बेस्ट है। ये तो एक जुआ है, आप इस पर क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस पर। बाकी आप समझदार हैं खुद। मुजाद भाई आप क्या कहना चाहेंगे, ये ट्रेड करना चाहिए कि नहीं? यार ये इधर भी हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे हैं, ये ऐसे समझे बस पैसे लेते हैं आगे पता नहीं क्या करते हैं, फिर पीछे इस तरीके से आगे पीछे करते हैं पैसे, पैसे लेकर पता नहीं आपको कब देते हैं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन ये इस अंदाज में आ जाता है कि आपको इतने इतने लेंगे, आपसे इतने देंगे। ये फिर वही बात है कि हम इतना आलम तो नहीं है कि जुआ मुआ की बात कर दें, बिल्कुल। लेकिन वो एक जो सुनी सुनी बातें होती है, ये खतरे में इंसान के लिए होता है, बिल्कुल ये बात है।